खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने लोकसभा सांसद शांता कुमार की अध्यक्षता में विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट कायाकल्प में हर्बन गार्डन गोकुल गौशाला तथा योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री किशन कपूर ने विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट कायाकल्प को हर्बल गार्डन गोकुल गौशाला तथा योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आरंभ करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार तथा मुख्यमंत्री आजीविका योजना आरंभ की है, जिसमें स्वरोजगार के लिए 25-30% तक उपदान देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए लुप्त हो रही देशी गायों की प्रजातियों को डेयरी स्थापित करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों के उत्थान के लिए बजट में 30 कायक कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किशन कपूर ने शांता कुमार के लोकहित के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों और अंत्योदय की भावना से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे ले जाने में उनके द्वारा आरंभ की जा रही योजनाओं का अनुसरण सभी सरकारों ने किया है। उन्होंने कहा कि पानी पर रॉयल्टी और प्रदेश में पन बिजली योजनाओं तथा सीमेंट उद्योग शांता कुमार के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के प्रति गंभीर है और प्रदेश में नशे के जड़ से उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग से योजना और कोई अगर महिला और युवती अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके लिए 30% सब्सिडी बहुत बढ़िया योजना। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने के लायक बनाने के लिए ये हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने नई योजना शुरू की। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आजीविका योजना और इस योजना ने बहुत सारे बेरोजगारों से सरकार का ही विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि ब्याज 1 साल तक माफ होना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में उस पर भी चर्चा हुई थी, वो विचाराधीन है, पर जहां प्रदेश की जनता जो चाहती है सरकार उसके अनुसार काम करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, उसमें भी 30% 30 लाख तक लोन होगा, 10% 25% सब्सिडी होगी और महिलाओं के लिए 30% सब्सिडी होगी, इंटरेस्ट में 5% छूट होगी, मधुमक्खी प्रावधान किया गया। इस बजट में 30 नई योजनाएं जो हैं, जिनके लिए बजट में नई योजनाएं शुरुआत करने के लिए घोषणा नहीं है पर धन का भी प्रावधान किया गया, ताकि बेरोजगार नशे की ओर आकर्षित ना हो, वो काम करें, जिससे प्रदेश को भी फायदा होगा और उनके परिवारों को भी फायदा होगा। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आदरणीय श्री शांता कुमार जी, जो भी यहाँ इस सरकार को नई नई योजनाएं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी रोप वे में भी इन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, सरकार उस ओर बढ़ी है और रोप वे में भी अभी जो भी रोप वे लगाना चाहेगा हिमाचल प्रदेश में, उसको 7 साल तक सरकार कुछ मिलेगी, उससे बहुत सारा धन यहाँ आएगा, जिससे रोजगार लोगों को मिलेगा। ऐसी नई नई योजना पर ये सरकार काम कर रही है और आदरणीय श्री शांता कुमार जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सब लोगों का बहुत बहुत। शांता कुमार ने कहा कि कायाकल्प देश में सर्वोत्तम संस्थानों में एक है, जहां नेचर क्योर की सभी विधाओं से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान में शुद्ध भारतीय प्रजाति की गौशाला स्थापित की गई है, जिसमें 5 गिर, 4 साहिवाल और 1 थारपकर रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 50 करोड़ रुपए का दूध बाहरी राज्यों से आता है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2-2 देसी गायें उपलब्ध करवाने से किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से स्वरोजगार के साथ साथ गौ सेवा और देसी गायों की प्रजातियों का संरक्षण भी होगा। उन्होंने योग और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की वकालत की है और प्रदेश में नशे के बढ़ते कदमों पर चिंता प्रकट करते हुए इसकी रोकथाम के लिए सरकार के साथ लोगों को आने का आह्वान किया।
इस अवसर पर योग शिक्षा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बैजनाथ के विधायक, मुल्क राज प्रेमी पूर्व विधायक दुलोराम, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। क्या हमें भी भारतीय प्रजाति की गाय पर काम करना चाहिए? और जब मैं इस पर लिटरेचर पढ़ रहा था तो बड़ी हैरानी हुई, आज से 15 साल पहले ब्राजील भारतीय प्रजाति की गाय को ले गया, उस पर काम किया और आज दुनिया भर में ब्राजील भारतीय प्रजाति की गाय को लेकर के काम कर रहा है। वो दूध और घी दुनिया भर में बिक रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। तो इस दिशा में भी एक नया प्रयोग कायाकल्प में हुआ है। मुझे विश्वास है आदरणीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि बहुत जल्दी भारत के किसान की आय दुगनी हो। भारत के किसान की परेशानियां हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम भारतीय प्रजाति की अच्छी दो गाय एक किसान के घर में बांध दें तो उसकी आमदन दुगनी नहीं कई गुना आगे बढ़ जाए। और हिमाचल के बारे में तो मुझे कई बार बड़ी चिंता होती है। मैं जब मंत्री था तब के जो आंकड़े मैंने इकट्ठे किए थे, केवल कांगड़ा जिला में हर साल 50 करोड़ रुपए का दूध बाहर से आकर के बिकता है। कई बार कुछ मित्र